पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ओम का नियम। फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी क्लास टेंथ के विद्यार्थी हैं, क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं, जिन्हें 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, विद्यार्थी ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 2020 अगर 20 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो भौतिकी से आपका चार लेसन आप है। तो चार लेसन है, पहला लेसन प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, दूसरा लेसन पहला प्रवर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र और चौथा लेसन है विद्युत धारा। तो मैं आपको विद्युत धारा में पढ़ा रहा था, तो मैं आपको विद्युत के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है, प्रवाह कैसे होता है विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत बनता कैसे है। आप पिछले क्लास में मैंने ओम का नियम किया था, आखिर ये दोनों वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देख लेंगे, या मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लिंक को ओपन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़िएगा जरूर दोनों दोनों पढ़िएगा, तब आगे समझ में आएगा। दो क्लास में और इसको पूरा कंप्लीट करूंगा मैं विद्युत धारा का, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए तो चलते हैं, हमारे पास है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन, प्रतिरोधों का, आज हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, क्यों किया जाता है, प्रतिरोध का संयोजन करने की आवश्यकता पड़ता है कि कभी कभी हमको अधिक धारा चाहिए और कभी कभी हमको कम धारा चाहिए। तो अधिक धारा अगर चाहिए तो अधिक धारा के लिए हमें प्रतिरोध को कम करना होगा, और कम धारा चाहिए तो प्रतिरोध को ज़्यादा करना होगा। तो यह दोनों काम हम कर सकते हैं, प्रतिरोध को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मेथड है प्रतिरोधों का संयोजन करके, और उसके एवज में एक समतुल प्रतिरोध हम लगा सकते हैं, समतुल प्रतिरोध, ठीक है, समतुल प्रतिरोध, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो संयोजन हम इसको बता रहे हैं, समतुल प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है, तो कहता है कि अगर प्रतिरोधों के संयोजन के स्थान पर, अगर प्रतिरोधों के संयोजन के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध माना जाए जो उनके बीच के समान विद्युत विभान, उनके बीच के समान विभवांतर लगाने पर समान विद्युत धारा प्रवाहित करे, उनके बीच के समान विभवांतर लगाने पर समान विद्युत धारा प्रवाहित करे, तब हम उसको समतुल प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोधों के स्थान पर लगाते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से करते हैं, श्रेणी क्रम समूहन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम समूहन क्या है ये जानते हैं पहले, डैश देख करके लिखेगा परिभाषा। एक श्रेणी क्रम समूहन, ये वैसा समूहन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, वैसा समूहन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर के साथ, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर पहले प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर के साथ इसी क्रम में जुड़ता है, तब हम इसको श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। माना कि हमारे पास तीन गो ये है, R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है हमारे पास, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है, ठीक है, इसे हम लोग को जोड़ना है। तो हम इस क्रम में जोड़े हैं कि R1 का मान लीजिए ये छोर है, ये B है, ये C है, ये D है, तो R1 का दूसरा छोर R2 के पहले छोर के साथ, सॉरी हाँ R1 के दूसरा छोर R2 के पहले छोर के साथ, और R2 का दूसरा छोर R3 के पहले छोर के साथ जोड़ते हैं। तो इसी क्रम में हम जोड़ेंगे तो ये हमारा श्रेणी क्रम समूहन होता है, श्रेणी क्रम समूहन होता है विद्यार्थी। अगर यहाँ से हम कहते हैं कि तीन गो नहीं, ये तीनों के एवज में एक ही को जोड़ लिए, तो एक ही को जोड़ेंगे और वो जो रेजिस्टेंस होगा R4 रेजिस्टेंस, तो वो जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे समतुल प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस उसको कहेंगे। इसको श्रेणी क्रम में है तो इसको सीरीज कहते हैं, तो RS लिख दीजिए, RS मतलब समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, समतुल प्रतिरोध है, समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, समतुल प्रतिरोध
श्रेणी क्रम का, ठीक है, श्रेणी क्रम का, तो संतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को निकालना है हमको कि तीनों के एवज में एक समतुल प्रतिरोध निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम आपको पूरा डेरिवेशन बताएंगे यार समतुल प्रतिरोध निकालने के लिए। अब इसको आप लोग एक बैटरी से जोड़ दीजिए, हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं विद्यार्थी। तो बैटरी से जोड़ने के बाद इसका विभवांतर, यहाँ पर वी वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, वी वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ से विद्युत धारा हमारा निकल रहा है आई, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, बैटरी से विद्युत धारा आई चला, यहाँ तक आई गया, ठीक है, यहाँ तक आई गया, और ये हमारा ए है, तो यहाँ भी आई ही जाएगा, तो इसमें करंट कहीं बटेगा नहीं, यहाँ भी आई पास हो जाएगा, यहाँ भी आई पास हो जाएगा, यहाँ भी आई ही रहेगा, और फिर ये इस प्रकार से घूम के आएगा। तो ये प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा, और इसका विभवांतर वी टू, और इसका विभवांतर वी थ्री हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका विभव ये है, तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, एक विभव यहाँ एक विभव यहाँ, इसका एक विभव यहाँ एक विभव यहाँ, एक विभव यहाँ एक विभव यहाँ, ठीक है, तो विभवांतर ये हो जाएगा। तो अब हमको समतुल प्रतिरोध निकालना है, तो समतुल प्रतिरोध अगर हमको निकालना है तो हम ये चलेंगे यहाँ से, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, बैटरी का तो वी वोल्ट होगा, अच्छा वी से चला है तो यहाँ हो गया वी वन वी टू वी थ्री, लेकिन तीनों विभवांतर तो वी के बराबर होगा ना, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये इसी से है, इसी के बराबर होगा ना वोल्टेज। मान लीजिए कि बैटरी 6 वोल्ट का है, मान लिया जाए सपोज दैट कि बैटरी 6 वोल्ट का है, तो यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट, ठीक है, इसका 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट इसका जो प्रतिरोध होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए तो हो गया 6 वोल्ट आते हैं, तो हमको यही करना है। तो ओम के नियम से, हमने पिछले क्लास में ओम का नियम बता दिया है, ओम का नियम अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास को जरूर पढ़ें। ओम का नियम, मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों को लगातार मैट्रिक क्लास के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करवा रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि आप कंप्लीट सिलेबस कीजिए, 90+% आपका आएगा, हमारा वादा है, लेकिन आप कंप्लीट और डेली क्लास कीजिएगा तब, अन्यथा नहीं होगा। चलिए तो ओम के नियम से क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, तो पहला प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा विद्यार्थी, वी वन आई वन, दूसरे के लिए वी टू आई आर टू, तीसरे के लिए वी थ्री आई आर थ्री, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और चूंकि हम जान रहे हैं कि वी बराबर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, आई प्लस आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, होगा कि नहीं, तो यहाँ से i कॉमन हो जाएगा, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अब हमको इन तीनों के एवज में एक समतुल प्रतिरोध हम जोड़ ले रहे हैं, और उसको भी यही समान विभवांतर के बैटरी से, समान विभवांतर के बैटरी से जोड़ते हैं, और इसका भी वोल्टेज उतना ही है, i वही है, और बस इसका नाम हम दे देते हैं RS, RS मतलब समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, समझ गए। तो यहाँ से भी i पास हुआ, यहाँ से i पास हुआ, यहाँ भी ओम के नियम से क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर एस, होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा, और यहाँ से भी होगा कि वी इक्वल टू आई आर एस। तो ये हमारा इक्वेशन वन, और इक्वेशन टू से चलेंगे अगर, तो ये भी वही वोल्टेज का मान है, ये भी वही वोल्टेज का मान है, तो हो जाएगा आई आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आई आर थ्री इंटू आई, आई से आई कट गया तो आर एस बराबर आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो समतुल प्रतिरोध निकल गया ना, समतुल प्रतिरोध निकल गया ना श्रेणी क्रम का विद्यार्थी, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री क्या होता है, समतुल प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम में अगर तीन प्रतिरोधों को जोड़ा हुआ है तो तीनों को एक ही क्रम में जोड़ दीजिए, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। यदि यहाँ पर तीन प्रतिरोध नहीं, हम एन प्रतिरोध को जोड़े, तब समतुल प्रतिरोध क्या होगा, एन प्रतिरोध को जोड़ते हैं, एन प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तब क्या होगा विद्यार्थी, तब हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, समतुल प्रतिरोध बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन प्लस में, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक और आ गया, और तीन प्रतिरोध को अगर कितना भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना रहे और समतुल प्रतिरोध निकालना है तो सभी को जोड़ करके
हमको जोड़ देना है, सभी को क्या करना है जोड़ देना है। अगर सभी का मान बराबर रहे तब आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री बराबर ठीक है बराबर आर एन ठीक है डॉट 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 बराबर इसका मान आर है तब क्या आएगा, तब आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध एन आर ठीक है समतुल्य प्रतिरोध एन आर ये हो जाएगा। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं श्रेणी क्रम हो गया समूहन ना, आगे हम लोग अब आपको चलते हैं समानांतर क्रम समूहन। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, समझ आता होगा। अगर आपके काम का वीडियो होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का और भी वीडियो आपका अभी पूरा एग्जाम का तैयारी करना है, पूरा मैट्रिक एग्जाम का तैयारी करना है, बहुत सारे वीडियो आपको देखना होगा और डेली आप आधा घंटा टाइम निकालिए पढ़ने के लिए यूट्यूब से और पढ़िए और फिर बताइएगा रिजल्ट आया कि नहीं आया से। चलिए दूसरा है हमारे पास प्रतिरोधों का समूहन श्रेणी क्रम हो गया, तो दूसरा समानांतर क्रम, समानांतर क्रम समूहन, समानांतर क्रम में समूहन करेंगे, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन विद्यार्थी ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, अभी हम आपको श्रेणी क्रम समूहन का बताए थे डिफिनेशन, पहले छोर के दूसरे, पहले का दूसरा छोर दूसरे के पहले के साथ, दूसरे का दूसरा छोर तीसरे के पहले के साथ इसी क्रम में जोड़ते हैं तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। और श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध निकाले तो क्या आया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आया कि नहीं आया। अब आपको पूछेगा कि समानांतर क्रम समूहन क्या होगा, तो डेफिनेशन लिखिएगा डैश दे करके। अगर भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को पहले छोर एक समान बिंदु पर और दूसरा छोर भी एक समान बिंदु पर हो, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का भिन्न भिन्न प्रतिरोधे का पहला बिंदु एक समान बिंदु, पहला छोर एक समान बिंदु, दूसरा छोर भी एक समान बिंदु पर हो तो हम उसको समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न प्रतिरोध हमारे पास प्रतिरोध है, मानता नहीं चल, भिन्न भिन्न प्रतिरोध है हमारे पास आर वन, हमारे पास प्रतिरोध है R2, हमारे पास प्रतिरोध है R3, ये हमारे पास तीन प्रतिरोध है, इसे समानांतर क्रम में जोड़ना है। जोड़िए तीनों का बिंदु एक ही जगह, पहला छोर एक जगह पे होना चाहिए विद्यार्थी, तो पहला छोर एक जगह पे होना चाहिए हो गया कि नहीं हो गया, दूसरा छोर भी एक ही जगह पे होना चाहिए हो गया कि नहीं हो गया। इस क्रम के समूहन को, इस तरह के समूहन को क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही बिंदु पर होगा तो विभव क्या चेंज करेगा, विभव चेंज करेगा, बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो विभव चेंज करेगा, विभवांतर चेंज करेगा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का बिंदु तो एक ही है। अगर भी वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं तो विभवांतर भी होगा, और यहाँ पर अगर हमारा करेंट इससे आई पास होता है तो यहाँ तक आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, लेकिन यहाँ तीन भागों में आई बढ़ जाएगा, कौन कौन में विद्यार्थी, आई वन आई टू आई थ्री, ये आई वन चलेगा इसमें, इसमें भी आएगा आई थ्री, इसमें भी आएगा आई टू, इसमें भी आएगा आई वन, और फिर यहाँ आकर के हो जाएगा आई, तो आई बराबर क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, क्योंकि यही तीनों ने एक जगह बटा, एक जगह पानी जा रहा था करहा में वो तीन भाग में बट गया, फिर आगे जाके एक ही जगह हो गया ठीक है। तो वही बात है, यहाँ भी समझना है, करेंट बटेगा जिस प्रतिरोधों के समूहन में करेंट बटेगा वह समानांतर क्रम होगा, जहां करेंट का बंटवारा नहीं होगा वह श्रेणी क्रम होगा। अगर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में अंतर पूछा जाता है तो विभवांतर जिसमें बढ़ता है, विभव अलग अलग होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, वह श्रेणी क्रम, विभवांतर समान होगा समानांतर क्रम, करेंट अलग अलग होगा समानांतर क्रम, करेंट सेम होगा श्रेणी क्रम। चलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा भेजे में, आज तक आपको फिजिक्स से डर लगता होगा, बिल्कुल धारा से नहीं समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को देखें आपको पूरा समझ में आएगा, कंप्लीट सिलेबस आएगा समझ में, वादा है हमारा आपसे। चलिए अब आपको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये तीनों प्रतिरोध को एक जगह हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, समान बैटरी से जोड़ते हैं और इसका भी विभवांतर जितना इसका था उतना इसका है, इसका समतुल्य प्रतिरोध तो पैरेलल है ना, तो आर पी लिख दे रहे हैं, यहाँ भी से चला तो आई भी आई, आपको आई यहाँ आई आई, आपको समतुल्य प्रतिरोध को, समतुल्य प्रतिरोध को बताया जाएगा इक्विवेलेंस, ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं आर ई क्यू, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
होता क्या है, चलते हैं फिर ओम के नियम से, V इज इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से, ओम के नियम से, साहब आप फोटो छाप लीजिएगा कॉपी किताब से बढ़िया से पढ़िएगा, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो हमारा यहाँ देखिए कि I बराबर हो जाएगा V बटा R, तो पहला प्रतिरोध R1 के लिए, R1 के लिए करेंट I1, प्रतिरोध R1, ठीक है, दूसरा R1 के लिए, R2 के लिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3, R2 के लिए I2 बराबर V प्लस R2, R3 के लिए V बटा R3, ठीक है, आज हम लोग गर्दा मचा देंगे, गर्दा मचाने वाले हैं विद्यार्थी, एकदम गर्दा मचा देंगे, कबाड़ देंगे, आपका आंसर आएगा, एकदम सटीक आंसर आएगा और आपको समझ भी आएगा, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं समझेंगे सबको समझ में आएगा, ठीक है, गर्दा कबाड़ देना है आज, हम लोग विद्युत धारा को समझेंगे आज, तीन हो गया I1, I2, I3, 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 I1, I2, I3 क्या होता है, I होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो लिख दो ना इसका मान, V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3, हो गया, V सभी में है, जरा देखिएगा इधर आ रहा है कि नहीं, R1 प्लस R2, V कॉमन ले लिए ऊपर से, तो R2 बट प्लस R3, कंप्यूटर महोदय देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, V कॉमन ले लिए यहाँ से, तो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, चलिएगा अब हमको इसके एवज में एक समतुल्य प्रतिरोध यहाँ लगाए हैं, तो यहाँ भी ओम के नियम लगेगा, तो भी इक्वल टू आई आर पी, आई आर पी, तो आई बराबर भी बटा आर पी, भी बटा आर पी, यहाँ लिख रहे हैं हम आई बराबर भी बटा आई पी, सॉरी भी बटा आर पी, ठीक है, भी बटा आर पी हो गया, तो यहाँ ये भी आई करेंट का मान है, ये भी आई का ही मान है, तो दोनों मान आई का है, तो इसीलिए इसको लिखिए ना समीकरण एक, इसको लिखिए ना दो, तो एक और दो से, ठीक है, फ्रॉम समीकरण एक और दो से क्या हो गया भाई, ये इसका मान है, ये भी इसका ही मान है, तो भी बटा आर पी बराबर भी बटा वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री होगा कि नहीं, भी से भी कट गया रे विद्यार्थी, तो वन बटा आर पी बराबर वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री, यही आया समतुल प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध श्रेणी समानांतर क्रम का वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री, तो आपको परिभाषा के रूप में कैसे याद कीजिएगा, तो लिख याद कर लीजिएगा कि समानांतर क्रम का समतुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम में, समानांतर क्रम के समतुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम में प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, हो गया, दोनों का हम समतुल प्रतिरोध निकाल लिए, जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे बनता है इस पर, ठीक है विद्यार्थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक ओम दो ओम तीन ओम, एक ओम दो ओम तीन ओम के तीन प्रतिरोध जोड़े गए हैं, एक ओम यदि एक ओम दो ओम और तीन ओम और तीन ओम के तीन प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाए कि समतुल प्रतिरोध कम होगा, देखो तो आपके पास दो तरह का नियम है जोड़ने का, श्रेणी क्रम, अरे पढ़ाएं समूहन, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है R1, R2, R3, ठीक है, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम जोड़ दिए, R1, R2, R3 हो गया ना, A, B, C और D जोड़ दिए, अब समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अभी पढ़ाए ना, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम वो आया 6 ओम, ठीक है, अब जरा हम दूसरा और एक हमारे पास क्रम है समानांतर क्रम, इसमें जोड़ते हैं क्या आएगा, समानांतर क्रम समूहन में लेते हैं,
तो एक प्रतिरोध 1 ओम, दूसरा प्रतिरोध 2 ओम, तीसरा प्रतिरोध, ठीक है, तीनों को जोड़ दिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अब ये हमारा हो गया। अब इसका समतुल प्रतिरोध मांगेगा तो 1/RP, तो 1/R1 + 1/R2 होता है ना। इसका समतुल प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो RP बराबर 1 ओम + 2 ओम + 3 ओम, तो 3 × 6 हो गया LCM, ठीक है, 6 + 3 + 2 आ गया 11/6 ओम 1/RP बराबर, तो ये भी 1/ में है, तो ये ऊपर ले लीजिएगा, तो RP बराबर 6/11 ओम। तो ये तो आपको लगता है कि 0.554 ओम के आसपास आएगा। ये तो काफी कम हो गया ना प्रतिरोध, यहाँ 6 ओम अभी इतना, तो काफी कम हो गया। तो किस में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, आंसर बन गया। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम आज हम खत्म किए। अब अगले क्लास में हम आपको जूल का नियम और विद्युत धारा का औष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति बताने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।